हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दो टेक्स्ट होते हैं हमें उन्हें किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी फार्मूला नॉर्मली हमारे पास जैसे नेम और सरनेम होता है और हमारे पास ये मल्टीपल सीन जरूरी नहीं है कि नेम और सरनेम हो ऐसे कई हमारे पास दो टेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है तो नॉर्मली हम उन्हें क्या जो लेफ़्ट राइट मीड वगैरह से सेपरेट कर देते हैं लेकिन इस वाले जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें आप जो नॉर्मल जो आपके जो फंक्शन होते हैं आपको जो सिस्टम के ऑप्शन होते हैं उन्हीं के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी फार्मूला तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम से नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे नेम और सर नेम है राइट जैसे यहाँ पे नाम है राहुल कुमार रवि शर्मा ऋचा प्रमोद एंड दिलीप राणा तो मुझे मेरे पास एक टास्क है जैसे कि मुझे यहाँ पे राहुल एंड कुमार लेके आना है रवि शर्मा अलग अलग कॉलम में लेके आना है राइट अकॉर्डिंग टू नेम एंड सर तो इसमें हमें करना क्या होता है नॉर्मली अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो लेफ़्ट और राइट right के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं तो लेकिन मैं आपको इस वाले जो जो टिप्स हैं इसमें मैं आपको इसमें नाम और मतलब जो फॉर्मूले के थ्रू नहीं बताऊँगा इससे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो भी आपके ऑप्शन होते हैं आपके सिस्टम में उनके थ्रू ही आप उन इसको सेपरेट कर सकते हैं तो पहला ऑप्शन है हमारा उसका नाम है फ्लैश फिल फ्लैश फिल में हमें करना क्या है तो फ्लैश फिल के लिए एक्चुअली होता क्या है कि Uh, अभी पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता हूँ तो किस तरह से करना है उसमें हमें एक पैटर्न बनाना पड़ता है पैटर्न बनाने के बाद एक पैटर्न बनाने के बाद नॉर्मली हम फ्लैश फिल पर क्लिक कर देते हैं तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपने नेम को ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर आउटपुट लेके आ जाता है राइट जैसे मुझे नेम लेके आना तो नेम में मेरा क्या होगा यहाँ पे नॉर्मली मेरा राहुल आएगा क्योंकि मेरे को नाम यहाँ पे राहुल लेके आना है यहाँ पे रवि ऋचा प्रमोद एंड दिलीप तो मेरा पैटर्न जो पहला बन रहा है वो हो रहा है मेरा राहुल राहुल मैंने लिखा और मैंने राहुल पे क्लिक करके रखा है देन मैं अपने डेटा डेटा वाला जो मेरा रिबन होता है इसे रिबन बोलते हैं एक्चुअली डेटा वाले में क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्लैश फिल का ऑप्शन आता है और इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरे जो स्पेस से पहले के जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक पैटर्न बनता है उसके सारे की सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने इसमें सेम वे यहाँ पर मेरा कुमार आता है तो कुमार के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के यू एम ए आर ये मेरा क्योंकि रवि एंड कुमार है एंड देन मैं यहाँ पे जाके फ्लैश फिल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे सारे के सारे यहाँ से, सेपरेट करके यहाँ पे डाल दे तो कोई लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला नहीं लगाए सिंपली एक फ्लैश फिल बोलते हैं इस वाले जो ऑप्शन होता है तो माइट भी हो सकता है कि जिनके डाउनग्रेडेड वर्जन हो like लाइक सेवन टेन वगैरह हो तो उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था थर्टीन सिक्सटीन और आप देख सकते हैं डेटा जो इसमें अगर आपके यहाँ पे फ्लैश फिल आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसलिए और इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है खाली उसका एक पैटर्न लिखना है और उस पर क्लिक कर देना है ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करके वो पूरी डिटेल वहाँ पे लेके आ जाएगा और या तो आप कंट्रोल ई भी इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कुमार लिखा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया राइट ई प्रेस करते ही सारे के सारे मेरे पास जितने भी लेफ्ट मतलब राइट की जो वैल्यूज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई राइट तो ईज़िली आप फ्लैश फ़िल के थ्रू आपके जो भी एक नेमिंग का जैसे फुल नेम आ, नेम एंड सरनेम है ईज़िली आप उसे सेपरेट कर सकते हैं तो माइट भी हो सकता है कि जिनके डाउनग्रेडेड वर्जन हो मतलब सेवन टेन और जो इससे पुराने वर्जन यूज़ करते हैं थ्री वगैरह उनमें ये ऑप्शन ना हो तो उनके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ अगर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मतलब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है तो इसमें मुझे अगर फार्मूले के बिना ही यूज़ कर इन डिटेल को लेके आना है नेम उ सरनेम का तो कैसे कर सकते हो तो इसमें मैं पूरी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसके बाद में क्या करूँगा कंट्रोल एच प्रेस करूँगा कंट्रोल एच क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है तो मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन में क्लिक करके कंट्रोल एच प्रेस करना है राइट आपको मुझे क्या करना है कि राहुल को लेके आना है कुमार को मुझे हटाना है यहाँ से क्योंकि मेरा नेम है नेम में मेरा सरनेम नहीं आएगा जो भी क्राइटेरिया है मेरे पास तो मैं इसमें क्या करूँगा पहले जो भी मेरे को लेके आना है उसके बदले मैं एक स्पेस दे दूँगा स्पेस दे दिया मैंने और जो मुझ वैल्यू मुझे नहीं चाहिए उसके बदले मैं स्टार दे दूंगा स्पेस मतलब मेरा ये जो नाम है राहुल वाला आएगा स्पेस में मतलब कुमार तो मतलब ये कुमार को यहाँ से सेपरेट कर देगा और यहाँ पे सिंपली रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑल्ड एन वी मेड फाइव रिप्लेसमेंट और यहाँ पर सारी वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर मेरी लेफ्ट की वैल्यूज़ आ गई हैं सेम में मुझे सरनेम को चेंज करना है तो सर के लिए मैं यहाँ पर इसको पूरा पेस्ट कर देंगे पूरी जो भी मेरा नेम और सरनेम है देन कंट्रोल एच प्रेस करेंगे इस वाली सिचुएशन में मुझे क्या लेके आना है सरनेम ले कर आना है तो मैं पहली वाली, वाली वैल्यू को हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे स्टार लगा देंगे फर्स्ट वाले इंस्टेंस में स्टार लगाएंगे देन एक स्पेस दे देंगे बस इतना ही करना है देन रिप्लेस ऑल करना है और फाइव रिप्लेसमेंट डन और ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट नेम होगा वो आपका हट जाएगा तो बेसिकली स्टार क्या करता है स्टार हमारा एक वाइल्ड कार्ड होता है स्टार एंड क्वेश्चन मार्क होता है ये एक वाइल्ड कार्ड होते हैं तो वाइल्ड कार्ड के बारे में भी, भी आपको अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि किस तरह से इनका यूज़ करते हैं तो आप जो भी मैंने एक ये बताया आपको कि जिस तरीके से अगर आपको जिनको नहीं पता है लेफ़्ट एंड राइट और किस तरह से सेपरेट करते हैं तो उसका यूज़ करके वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं अगर आपके नॉर्मल जैसे नेम और सर नेम ऐसी कुछ वैल्यूज़ हैं ईज़िली आप उन्हें हटा सकते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ईज़िली मतलब जो भी ये नेम और सर नेम है और इस तरह के टेक्स्ट को तो ईज़िली आप सेपरेट कर सकते हैं फ्लैश फिल के थ्रू और वाइल्ड कार्ड के थ्रू आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैवन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं